हमारे जीवन में हर समय दुख और समस्याएं क्यों आते रहते हैं? क्यों ना चाहते हुए भी हर समय दुख, तनाव, समस्याएं छाई रहती हैं? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि दुख, समस्याएं आती हैं और आपके बिना बुलाए आती हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। वास्तव में जिन दुखों और समस्याओं से हम परेशान होते हैं, वे हमारा चुनाव होती हैं। हमने उन्हें चुना होता है। तुम्हारा आज का दुख उस बीज का परिणाम है जो आपने अतीत में लगाया था। लेकिन ये बात बड़ी अजीब हो जाएगी कि जानबूझकर हम अपने जीवन में दुख को आमंत्रित क्यों करेंगे? क्यों हम जानबूझकर समस्याओं को जीवन में आमंत्रण देंगे? इसी को समझना है, क्योंकि यही तो माया है। ये दुनिया, इतनी सारी चीज़ें, ये सब थोड़ी ना माया है। इन सब के प्रति हमारा जो भ्रम है, वो भ्रम माया है। माया माने होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो आप समझ ही जाओ कि जो आज तुम्हारे लिए दुख बना हुआ है, जो आज तुम्हारे लिए समस्या बना हुआ है, वो तुम्हारे ही द्वारा अतीत में लगाया हुआ बीज कैसे है? क्योंकि जब वो आया होगा, तब वो समस्या बनकर तो सामने नहीं आया होगा, दुख बनकर तो सामने नहीं आया होगा। चोर अगर तुम्हारे घर में यही कहकर आया है कि मैं चोर हूं, तो क्या तुम आने दोगे उसे? तो उसे क्या बनकर के आना पड़ेगा? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा चाहने वाला बन करके वो आएगा। झूठा व्यक्ति भी जब लोगों से बात करता है तो क्या कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। इतने तो झूठे लोगों को हम देखते हैं। तो संसार में झूठे लोग भी अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो वो भी सच बोल करके करते हैं। तो जिन्हें तुम आज दुख और समस्याएं कह रहे हो, वे आई नहीं है, उनको तुमने स्वयं बुलाया है और बड़ी तैयारी के साथ बुलाया है। सबसे पहले तो देखो कि जिन्हें तुम दुख कह रहे हो, जिन्हें तुम समस्या कह रहे हो, उनका संबंध किससे है? हमारे सारे दुख, तनाव, समस्याएं, परेशानियां सब कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों से संबंधित हैं। हम क्या काम करते हैं उससे संबंधित है, हम किन लोगों के बीच रहते हैं उससे संबंधित हैं। पूरा दिन जिस सबके बीच हम गुजारते हैं, जिनको भी हम अपना समय देते हैं, उनसे ही संबंधित हमारी समस्याएं हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति हमारी मर्जी के बिना हमारे जीवन में आ सकता है? कोई काम क्या हमारे चुनाव के बिना हमारे जीवन में आ सकता है? नहीं। और अगर आया भी है, तो अभी भी तो हमारे पास चुनाव की ताकत है ना। हम चुन सकते हैं कि उसके साथ रहना है या नहीं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह हमारा दुख, हमारी परेशानियां हमारे ही द्वारा बोए गए बीज हैं। हर किसी को यही लगता है कि शारीरिक सुख ही सर्वोच्च होता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का शारीरिक सुख हो। किंतु यदि शारीरिक सुख ही सर्वोच्च होता, तो प्रत्येक शादीशुदा व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता। लेकिन ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। हर व्यक्ति के चेहरे की 12 बजी होती है। पहले अगर कोई सचमुच जीवन में सौंदर्य होता भी है, तो वो भी नहीं बचता। थोड़ी ताकत होती है, वो भी नहीं बचती। थोड़ी आज़ादी होती है, वो भी नहीं बचती। तो यदि शारीरिक सुख ही सर्वोच्च होता, तो प्रत्येक शादीशुदा व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता। लेकिन ऐसा देखने को हमको मिलता नहीं। किंतु फिर भी जो अधिकांश पुरुष होते हैं, वो विवाह करने के लिए किसी भी स्त्री में जिस एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वह है उस स्त्री का शरीर। शरीर अगर वैसा ना हो जैसा पुरुष की इच्छा है, तो चाहे उसमें कितनी ही खूबियां क्यों ना हो, बहुत मुश्किल होगा कि वो उस स्त्री को चुने। खासकर एक आम व्यक्ति जिसको
जीवन में सफलताओं से, ऊंचाइयों से और कलाओं से, ज्ञान विज्ञान से, इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं होता। वो व्यक्ति केवल शरीर को देखेगा। जब भी दो स्त्री और पुरुष आपस में संबंधित होते हैं तो प्रेम, समझ, बोध, ज्ञान, इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। और उसी तरह से एक स्त्री भी एक पुरुष में जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, वह उस पुरुष का पद, उसकी उसका पैसा, उसकी पहचान। और जब यदि तुमने इन्हीं सब चीज़ों को देखा है और यदि तुमने प्रेम को, समझ को, ज्ञान और बोध को महत्व ही नहीं दिया है, तो फिर इन सब की उम्मीद भी तुम उससे क्यों करते हो? लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता तो तुम क्या कहते हो? दुख मिल रहा है। तुमने प्रेम को कीमत दी ही कब? तुमने काम चुना था ये कह करके नहीं कि मुझे काम पसंद है, ये कह करके कि उस काम से पैसा मिलता है, तो करो काम। पैसा मिलता है इसीलिए चुना था ना, तो पैसे मिल रहे हैं। जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा मिलेंगे। तुम्हें शारीरिक सुख चाहिए था, वो मिल रहा है। प्रेम की थोड़ी ना तुमने बात की थी, जो तुमने मांगा था तुम्हें वही मिल रहा है। पर उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन उसकी तो तुमने बात ही नहीं की, उसको तो कोई महत्व नहीं दिया। जब उसकी बात नहीं की, उसको महत्व नहीं दिया, तो उसकी उम्मीद फिर तुम उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस काम से, किसी से भी क्यों कर रहे हो? पर हम करते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। हम इस बात को महत्व ही नहीं देते कि यदि प्रेम और समझ के बिना यदि दो व्यक्ति साथ हैं तो उनकी जिंदगी जैसी होगी। दो व्यक्ति हैं जो साथ रह रहे हैं, पर दोनों में ना प्रेम है, ना दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो जैसी उनकी जिंदगी होती है उसी को नरक कहते हैं। और हमारा जीवन क्या है? ऐसा ही तो हमारा जीवन है। जहां चाहे काम हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हमें उससे प्रेम है ही नहीं, और ना वो हमें समझता है, ना हम उसको समझते हैं। बस उसके साथ बंधे हुए हैं। यही तो नरक है, यही तो दुख है, यही तो समस्या है। किंतु इसके लिए तुम सामने वाले व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, काम, वस्तु, विचार, कोई बात, हम व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं। यदि तुम्हारा जीवन नरक बना हुआ है तो वो सामने वाले व्यक्ति के कारण नहीं, तुमने स्वयं इस नरक को चुना है। क्योंकि आज के हमारे सारे दुख अतीत में हमारे द्वारा ही चुने गए हैं। किंतु हमने कहा था कि तुम कहोगे कि हम जानबूझकर क्यों अपने जीवन में दुख लाएंगे, तो महोदय, यदि रावण भी अपना असली चेहरा लेकर माता सीता के सामने जाता तो क्या वो रेखा को पार करती? नहीं करती। इसी तरह दुख कभी दुख बन करके हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। दुख सदा सुख का मुखौटा पहनकर आता है, और हम बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे बजाकर उन्हें अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। क्या ऐसा नहीं करते हम? देखते हो आजकल किसी की नौकरी लग जाती है, खासकर सरकारी नौकरी। कोई आर्मी में चला गया, कोई आईएएस बन गया, कोई बैंक का मैनेजर बन गया, नौकरियां हैं बस। लेकिन कैसे बैंड बाजे बजते हैं और फिर इन्हीं नौकरियों से परेशान होते हैं लोग। मिठाइयाँ बांटते हैं, नारियल फोड़ते हैं, शादी में देखो कैसे बैंड बाजे बजते हैं। बैंड बाजे बजा करके हम दुखों को अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अब दुख में रोने का क्या लाभ, जब सुख आता है तब तो तुम विचार ही नहीं करते, तुम कहते हो आने दो और आने दो, और जब कीमत वसूली जाती है तब तुम जांच पड़ताल करते हो। देखो जो कुछ भी आज आपके जीवन में सुख या परेशान, दुख या परेशानी बनकर बैठा है, ईमानदारी से देखो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे जीवन में सुख बनकर के आया होगा, कहीं ना कहीं तुमने ही उसे अपने जीवन में प्रवेश दिया होगा, बड़े खुश भी हुए होंगे तब तुम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे दुख या सारे के सारी समस्याएं हमारा ही चुनाव होती हैं, पर अधिकांश समस्याएं, अधिकांश दुख, हमारे अधिकांश बोझ हमारे ही द्वारा चुने हुए होते हैं। और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अब आगे से जब जीवन में कोई सुख बन करके कुछ आ रहा हो तब सजग रहना, तब जागना, तब चेतना। दुख में सुमिरन करने से कुछ नहीं होगा, सुख में सुमिरन करना होगा, माने सुख पर ध्यान देना होगा। जिसकी संगत तुम करते हो तुम वैसे ही हो जाते हो, और हम किसकी संगत करते हैं यह हमारा चुनाव होता है। तो दुख के बीज अतीत में हमने ही लगाए हैं, वही आज पेड़ बन जाते हैं और उनके फल हमें मिलते हैं, लेकिन फल कड़वे होते हैं तो हम कहते हैं कड़वे फल हम क्यों खरीदेंगे। कड़वे फल हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अक्सर कड़वे फल बाहर से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कभी किसी दूसरे ने हमको दुख नहीं दिया, हमने स्वयं दुख पैदा किए हैं अपने लिए। दूसरे व्यक्ति की जब हम बात कहते हैं कि दूसरा मुझे दुख दे रहा है, हमें वास्तव में तब भी दूसरा दुख नहीं दे रहा होता है, दूसरे व्यक्ति से हम कुछ चाह रहे होते हैं। और जब हम किसी से कुछ चाहते हैं और वैसा नहीं होता तो हमारी वो चाह, हमारी वो उम्मीद ही हमें दुख देती है, और बार बार हम धोखा इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि हम ये देखते ही नहीं कि हमारी अपनी चाह, हमारी अपनी उम्मीद हमारे दुख का कारण है। इसी को माया कहते हैं। माया को देख पाने का अर्थ इतना ही है कि आप सुख में छिपे हुए दुख को देख पाएं।